मैंने दोस्तों कहीं एक लाइन पढ़ी थी, कहते हैं ना अगर जिंदगी में घुमान या फिर घमंड, ठीक है, ईगो ज्यादा हो जाए ना तो शमशान घाट का एक चक्कर लगा आना क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बड़े धुरंधर हैं ना, जो वो भी आखिर यहाँ पे ही आए आखिर में। तो ये एक बात याद आ गई मुझे यहाँ का। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज है संडे, तो आज मैं आपको एक प्लेस पे लेके जा रहा हूँ, आज मैं आपको एक जिम में लेके जा रहा हूँ, जिम जो कि जलंधर में ही है। और ये जिम शिवपुरी मंदिर के अंदर ही बना हुआ है, और मैंने सुना है कि ये जिम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो आज मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। बात ऐसी हुई कि कुछ दिन पहले मैंने किसी के साथ डिस्कस किया था कि यार मुझे जिम ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो मेरे कोई रिलेटिव है, उन्होंने बताया था कि अगर आपने जिम ज्वाइन करना तो क्यों नहीं आप मंदिर वाला जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा भी जिम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने उनसे कहा कि कोई नहीं, मैं संडे को जाऊंगा और ट्राई करूंगा, है ना, कि क्या है वहाँ पे, क्या माहौल है, क्या नहीं है, है ना। तो उन्होंने बताया, कहते देसी जिम है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आज मैं जा रहा हूँ अभी उस जिम में और आपको पूरा एक्सप्लोर करवाऊँगा कि क्या है वहाँ पे, क्या नहीं है। अच्छा लगा तो हम वहाँ पे मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा और वहाँ डेली जिम जाया करेंगे, ठीक है। बाकी अभी टाइम हो चुका है 6:30 बजे, ठीक है, तो चलो चलते हैं, ठीक है ना। सो दोस्तों अभी चलते हैं, आपको जिम दिखाएंगे और क्या है वहाँ पे सिस्टम, क्या नहीं है, सारा आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी यार मुझे उस जिम के बारे में नहीं पता था, आप जैसे कि आप जानते हो कि मुझे कुछ मंथ हुए हैं मैं दुबई से आया हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी अभी जहाँ हमने घर लिया है ना, अभी हम यहाँ पे न्यू शिफ्ट हुए हैं, तो इस एरिया के बारे में मुझे इतना नहीं पता था। तो अभी मुझे पता लगा है इस चीज़ के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी पता होना चाहिए कि यार जलंधर में फ्री जिम भी है, ठीक है ना। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो यहाँ आके वो ज्वाइन कर सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या हिसाब किताब है और आपको पूरा जिम दिखाते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रोड के ऊपर काफ़ी रोड ख़राब है, ये काफ़ी पानी भरा हुआ है, यहाँ से तो नहीं जा सकते, अभी दूसरा रोड लेना पड़ेगा। बहुत बारिश हो रही है यार, 4 दिन से जलंधर में बहुत बारिश हो रही है। हाँ जी दोस्तों हम शिवपुरी मंदिर में पहुंच गए हैं जहाँ पे जिम है। तो अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, क्या है सिस्टम। मैं तो जिम का मेनली पूछने आया हूँ, तो जिम वगैरह क्या है क्या नहीं है आपको बताते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जिम के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, ये जिम का गेट है, जिम के गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, लेकिन जिम आज बंद है क्योंकि कह रहे हैं कि आज संडे है तो जिम बंद है। आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ शिवपुरी हेल्थी क्लब। तो कोई बात नहीं, हम मंडे आ जाएं, कल आ जाएंगे, ठीक है, कल आके अंदर आपको जिम दिखाएंगे पूरा। तो चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी आपको इस मंदिर के थोड़े व्यू दिखा देते हैं आज, बाकी आपको कल जिम दिखा देंगे, क्योंकि जिम देखो आज बंद है, मैंने बात की है, कह रहे संडे है तो संडे जिम बंद होता है, ठीक है। बाकी आपको मंदिर के कुछ व्यू दिखा देते हैं, बाकी और जिम आपको कल दिखाएंगे फिर।
दोस्तों ये शिवपुरी का शमशान घाट है, ठीक है ना दोस्तों। अभी हम शिवपुरी मंदिर का जो शमशान घाट है ना उसके अंदर बैठे हुए हैं, और मैंने देखा कि इसके अंदर शमशान घाट भी है, तो मैं स्पेशली इधर आके बैठा। मैंने कहा क्यों ना अपनी आखिरी मंजिल को भी देखा जाए जहाँ पे मैंने आना है, ठीक है ना, क्योंकि सबकी आखिरी मंजिल तो यही है। तो बस आके बैठे हैं इधर। एक बात है यार, हर एक इंसान चाहे ज़िंदगी में कुछ भी कर ले ना, कोई भी मतलब एनीथिंग यार, कुछ भी कर लो आप, लेकिन आपकी आखिरी मंजिल यही है यार, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पे भी जाकर बैठा करो, सुकून मिलता है बंदे को। जहाँ तक लाने का शुक्रिया, आगे का सफ़र हम खुद तय करेंगे। मैंने दोस्तों कहीं एक लाइन पढ़ी थी, कहते हैं ना अगर ज़िंदगी में घुमान या फिर घमंड, ठीक है, ईगो ज़्यादा हो जाए ना, तो शमशान घाट का एक चक्कर लगा आना क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बड़े धुरंधर हैं ना, जो वो भी आखिर यहाँ पे ही आए आखिर में। तो ये एक बात याद आ गई मुझे यहाँ का। दोस्तों चेक करो कितनी खूबसूरत लिखी हुई है लाइन्स। हाँ जी दोस्तों, फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ घर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको दिखाना था मैंने जिम, जलंधर का फ्री जिम, पर जिम तो था बंद, पर चलो कोई बात नहीं, जिम आपको दिखाएंगे कल। और मैं इस बात पे था कि यार आज मंदिर तो हमेशा खुला रहता है, तो जिम मंदिर में है तो शायद जिम भी खुला होगा, तो इसलिए मैं चला गया। लेकिन आज संडे है, मुझे नहीं पता था कि जिम बंद होगा, पर चलो कोई बात नहीं, जिम आपको दिखाते हैं कल। बाकी अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो भाई को करो सपोर्ट, इस चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर तो आप इन फ्यूचर और ऐसे व्लॉग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, ठीक है। सो टिल देन ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।